गुड्डो जख्मी हालत में पहले भी इस अस्पताल में आई है? जी, और तब ये भी उनके साथ आई थी। Excuse me. क्यों करी शादी? क्यों करी तूने हमारी बहन से शादी? बड़ी हवेली का हिस्सा बनना था इसलिए? या रोज उसे एक नया दर्द देने के लिए? बोलो सके। छोड़, बस बहुत हो गया। अस्पताल में सोच। नहीं प्रीत बहन जी। अरे अपने हाथ क्यों गंदे करता है तू? छोड़। नहीं प्रीत बहन जी, नहीं प्रीत बहन जी। इसने हमारी बहन को जितने जख्म दिए हैं, आज हर जख्म का हिसाब देना पड़ेगा इसे। मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। पापा जी ने इज्जत ना ख्याल देखा। गुड्डो अस्पताल में कोमा में के छोड़। अरे घटिया लोगों के मुंह क्यों लगता है तू? रहने दे, गलती साड़ी है। हमने अपनी गुड्डो इनके घर में ब्याई, नतीजा पुख्ता हूं। लेकिन प्रीत बहन जी, इसने जो किया है उसकी सजा इसे मिलेगी। सजा जरूर मिलेगी। तो बोल नहीं सकती तो क्या हो गया? हम तो चुप नहीं रहेंगे। वकील साहब को फोन कर दिया मैंने। अब जो करेगी पुलिस ही करेगी। अगर जिंदगी भर तुझे जेल में नहीं सड़ाया ना तो मैं एक्सक्यूज मी कहा था मैंने तुझे, अगर गुड्डो को कुछ भी हुआ तो तुम्हारे पूरे खानदान को बर्बाद करके रख दूंगी। बोल सुखी को, चुपचाप जाके अपने आप को पुलिस के हवाले कर दे। वरना वारंट तो निकल ही चुका उसके नाम। निकल, चल बाहर निकल। तुम मुझसे भरोसे की बात कर रही थी ना? अब बताओ ना, किस पे भरोसा करूं मैं? तुम्हारे इस भाई पे, जिसकी वजह से हमारी बहन कोमा में है, या फिर तुम पे? रानो, गुड्डू की यह हालत पहले हो चुकी है। तुम उसे लेके हॉस्पिटल पहले आ चुकी है, तुमने बताया मुझे। नहीं ना, अब बताओ रानू, किस पे भरोसा करूं मैं? तू रहन देना, झूठे लोगों से सवाल पूछेगा तो सच्चे जवाब मिलेंगे क्या? तू क्यों उनके मुंह लगता है? चल चल चल, गुड्डो के बारे में बात करनी है डॉक्टर से। हो जाएगा वो भी यही बताएगी, यही सच है। रणवीर प्लीज मेरी बात सुनो।
रणवीर मेरी बात सुनो रणवीर, प्लीज भरोसा करो रणवीर। बस रानो, क्या कह रही थी तुम कि जब गुड्डो को होश आ जाएगा तो हमें सच का पता चल जाएगा? कैसे रानो, कब आएगा गुड्डो को होश और कैसे आएगा? कोई कसर छोड़ी है तुम्हारे भाई ने? रानो, तुम्हें जो कहना था तुमने कह दिया। मेरी एक बात ध्यान से सुनो, अन्याय मुझे भी बर्दाश्त नहीं है, और खासकर वो अन्याय जो मेरी छोटी बहन के साथ हुआ, जो तुम्हारे भाई ने किया है। उसे उसके किए की सजा जरूर मिलेगी, जेल तो उसे जाना ही पड़ेगा। और एक और बात रहना, आज के बाद मुझसे भरोसे की बात मत करना, क्योंकि अब भरोसे से मेरा भरोसा उठ गया है। थैंक यू राना, थैंक यू वेरी मच। तेजी, तेजी पुत्र, ये मैं क्या सुन रही हूँ? ये अचानक वापस कनाडा जाने का प्रोग्राम? अभी तो माँ बेटी अच्छी तरह मिल भी नहीं पाई। विजी, जब मैं कनाडा से आई थी, मैंने सोचा था मैं खुशियों के माहौल में आ रही हूँ, सबको हंसता खेलते देखूंगी, सबकी खुशियाँ भरी जिंदगी देखूंगी, गुड्डों की हंसती हुई गृहस्थी देखूंगी, रानू का इस घर में स्वागत करूंगी, उन दोनों को आशीर्वाद दूंगी। पर बीजी देखो ना, बंदा क्या सोचता है और क्या हो जाता है। आपकी तेजी में इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं सबके रोते हुए चेहरे देखूं। आपको मेरी सौ, मुझे मत रोकना आज, मुझे मत रोक। पर बीजी, जाने के पहले मैं एक बात कहना चाहती हूँ। रानू की आंखों में मैंने सच्चाई देखी है। रणबीर से कहना, रानू झूठ नहीं बोल सकती। मानती हूँ जो गुड्डू के साथ हुआ अच्छा नहीं हुआ, पर आप भी तो रानू के साथ कम ज्यादती नहीं कर रहे। सुखी में कोई कमी हो सकती है, पर रानू तो खड़ा सोना है। आप खड़े सोने में दाग मत ढूंढिए बीजी। अच्छा बीजी, अब मैं चलूं? ओ, विकी बाहर गाड़ी में इंतजार कर रहे हैं ना? पुप्पी, पुप्पी पुत्र, तेजी चली गई। जानता हूं बेटी, मैंने देख लिया था उसे, अब मैं उसे रोक नहीं सका। क्या करता उसे रोककर?
क्या कहता उसे कि मेरे दुख दर्द में शामिल हो, मेरे साथ बैठ के आंसू बहा। कितने अरमान थे मेरे दिल में रणवीर की शादी होगी, इस घर में खुशियां आएंगी, बहू आएगी, लेकिन कुछ अभी तो मैं भगवान के आगे हाथ जोड़ने से भी डरता हूं। डरता हूं कि अगर मेरी गुटों की दुख दर्द की दुआ को भूलोगी तो कहीं भगवान उसे मुझसे ना। क्यों मेरी, क्यों मेरी बेटी के साथ ये जुल्म हो रहा है? क्या कसूर है उस बेचारी मासूम का? उसके सारे दुख दर्द भगवान मुझे क्यों नहीं दे देता? बीजी मुझे क्यों नहीं दे देता? ना पुत्र ना, बस अपने आप को संभाल पुत्र। क्योंकि बेगुनाही साबित करने के लिए सबूत चाहिए। सबूत? वकील साहब मैं आपसे बार बार कह रही हूँ, जब गुड्डो के साथ ही हादसा होता तो सुखी मेरे साथ था। हाँ होगा, लेकिन ये बात तभी सबूत बनेगी जब ये कोर्ट में साबित होगी। सुखी को बचाने के अब सिर्फ दो ही रास्ते हैं। एक, गुड्डो खुद ये बयान दे कि सुखी बेगुनाह है, जो कि इस वक्त मुमकिन नहीं है। और दूसरा, रणबीर मान अपनी कंप्लेन वापस ले ले और तब तक सुखी पर केस न करें जब तक गुड्डो होश में ना आ जाए। मैं केस वापस लेने के पेपर्स तैयार कर देता हूँ, आप कैसे भी करके रणबीर मान के सिग्नेचर उस पर ले लीजिए। उसके लिए हमारे पास सिर्फ 2-3 घंटे का ही वक्त है, उसके बाद बात पूरी तरह से हमारे हाथ से निकल जाएगी और हम आपके भाई की सच्चाई साबित नहीं कर पाएंगे। हे माता रानी, अब बस तेरा ही सहारा है। गुड्डो को जल्दी से ठीक कर दो माँ, वो होश में आ जाए। एक बस वही है जो सुखी के खोए हुए विश्वास को वापस ला सकती है। और मुझे शक्ति देना माँ कि मैं सत्य के रास्ते पे अडिग रहूं और सुखी को बेगुनाह साबित कर सकूं। नहीं सुखी, हिम्मत नहीं हारते। तू ये सोच कि माता रानी तेरी परीक्षा ले रही है। अजीब बात है, आज तुझे उस गुनाह की सजा मिल रही है जो तूने किया ही नहीं है। तेरा बीता हुआ कल तेरे आज के सच को झूठा साबित कर रहा है। लेकिन सुखी तू लड़ेगा, तू लड़ेगा अपने उस विश्वास को वापस लाने के लिए जो तू खो चुका है। हम सबको बताएंगे कि तूने कुछ नहीं किया है। मैं जानती हूं कि तू निर्दोष है, मैं जानती हूं। लेकिन सुखी, तेरे निर्दोष होने का मतलब ये नहीं कि तू अपनी वो जिम्मेदारियां भूल जाए जो एक पति की पत्नी के लिए होती है, एक बेटे की माँ बाप के लिए होती है। लेकिन तू चिंता मत कर सुखी, इस वक्त तुझे अपनी अच्छाइयां सबके सामने लानी है। मैं मानती हूँ तूने गलती की है, तुझसे गलती हुई है, लेकिन सबसे होती है। लेकिन अपनी गलती को मानकर उसको सुधारने में ही समझदारी है। रानू, मुझे माफ कर दे रानू, मुझे माफ कर दे। नहीं रानू, मैं तेरे विश्वास, तेरी हमदर्दी के काबिल नहीं हूं। मैंने हमेशा तुझे गलत समझा, सौतेला समझा, पर आज तूने मेरे लिए अपने प्यार को दांव पे लगा दिया। मैं खुद की नजरों में गिर गया हूं रानो, मैं खुद की नजरों में गिर गया हूं। मैं ना ही एक अच्छा बेटा, ना ही एक अच्छा भाई और ना ही एक अच्छा पति बन सका। मैं गुनहगार हूं गुड्डो का, मैं उसकी इस हालत का जिम्मेदार हूं। इस हादसे का जिम्मेदार भले ही मैं ना सही,
पर उसकी टूटती हुई सांसों का दोषी मैं ही हूं। मैं इतना गिर गया था कि अपनी पत्नी के जेवर बेचकर अपनी जान बचाने चला था। मैं दूसरों की नजरों में तो पता नहीं रानो, पर खुद की नजरों में कभी नहीं उठ पाऊंगा। क्या करूं रानो मैं क्या करूं। सुखी तू प्रार्थना कर, तू माता रानी से गुड्डो की सलामती की प्रार्थना कर। अब गुड्डो का ही सच तेरी गलतियों का प्रायश्चित भी है और तेरी बेगुनाही का सबूत भी। माता रानी मेरी गुड्डो को बचा लो, मेरे पापों की सजा उसे मत दो। मुझे चाहे जो सजा देनी है दे दो, मुझे सब कबूल है, पर माता रानी मेरी गुड्डो को बचा लो। मेरी गुड्डो को बचा लो। बस सुखी, बस चुप हो जा। माता रानी गुड्डो को जल्दी ठीक कर देगी, सब ठीक हो जाएगा। मैं जाके रणबीर से बात करती हूँ। मुझे पूरा विश्वास है कि रणबीर को मेरी बातों पर जरूर यकीन होगा। विश्वास ही तो हमारे प्यार की नींव है रानू। हम एक दूसरे के साथ अग्नि के साथ फेरे नहीं ले पाए तो क्या हुआ? हमारे कदम बढ़ेंगे तो एक दूसरे के नजदीक आने के लिए ही ना। मैं वादा करता हूं रानू, ये वक्त ये हालात हमें एक दूसरे से कभी अलग नहीं कर पाएंगे। रणबीर और रानू का रिश्ता इतना कमजोर नहीं है। तुम्हारी जबान से निकला हुआ एक एक शब्द रानू, उस पे मुझे खुद से भी ज्यादा भरोसा है और ये भरोसा कभी नहीं टूटेगा। अपने आप को कभी अकेला मत समझना रानू, तुम्हारा रणबीर हमेशा तुम्हारे साथ है, कुछ भी हो जाए। कहो कहां साइन करना। आपने सुखी के खिलाफ FIR दर्ज करवाई है?